हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम वंशिका एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। आज के हम लोग मंदिर पे कितना सुंदर सजा रखा है। मेरे पीछे देवी जी यहाँ से सब उठ चुके हैं और एटी कर जाएगी फिर जाएगी भी। हाँ बोलो। हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस वीडियो। आई एम वंशिका एंड यू आर वाचिंग गेट हेल्दी विद वंशिका। आज है 12th of December और आज रात के 9:30 बज रहे हैं और मैं आज व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ रात में, क्योंकि आज मैं आप लोगों को एक बहुत स्पेशल चीज़ दिखाने वाली हूँ। यहाँ पे गोवा में पास में हमारे घर के एक मंदिर है, श्री शांता दुर्गा मंदिर। आपने बहुत सारी वीडियोज़ में मेरे देखा होगा, तो उस मंदिर में आज एक स्पेशल प्रोग्राम है। आई थिंक शायद उसको रथ यात्रा कहते हैं, तो वो है और हम सब लोग वहीं जाने वाले हैं। साथ में भाभी अद्दू अद्यंत अद्दू आदि भाभी सर एंड हम सब लोग भी सारे जाने वाले हैं। शायद योगेश नहीं जाए क्योंकि उनका जिम का टाइम चल रहा है। अगर वो जिम से आ जाता है टाइम से तो वो हमारे साथ चलेंगे, अदरवाइज मैं ही भाभी लोग के साथ जाऊंगी। तो चलो चलते हैं और मैं आपको एक अलग चीज दिखाती हूँ। हम लोग मंदिर पे कितना सुंदर सजा रखा है। हाँ, और कितना सुंदर सजा रखा है। इन्होंने अपने घर भी सजाए हैं, पता है जो घर है ना आसपास वो भी सज रहे हैं। और कितना सुंदर लग रहा है। अरे मेला टाइप का भी लग रहा है। तो सामान खरीदारी करके लेके क्या क्या खरीद गए शाम में? अच्छा, अरे वाह, अद्दू तो हर बार ऐसे ही करता है, कितना अच्छा। पालकी के लिए पीछे पीछे जा रहे हैं, वहाँ है पालकी, तो हम लोग सब निकलते हैं। पहले पालकी में वो करेंगे फिर दर्शन करेंगे, है ना भाभी? वेदू 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 ये साथ में कहाँ आ दीदी? अरे कहाँ भाग गया ये रहा। ये वो पालकी है, मतलब ये एक साल में एक ही बार आती है वाली पालकी। ये यात्रा होती है। अच्छा, ये यात्रा एक साल में एक ही बार होती है। किस लिए है, मतलब आज ये यात्रा क्या स्पेशल दिन है? अमावस्या है ना, ये दिन है अमावस्या दिन है। अमावस्या? अच्छा, आज के अमावस्या के दिन रहेगा, मतलब आज पहला दिन है। आज पहला दिन है, तो तीनों दिन ये रथ यात्रा निकलेगी। पालकी नहीं, पालकी नहीं। अच्छा, अच्छा, दो दिन नाश्ता। Bye.
दी। चलो 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 सबके साथ मंदिर के अंदर आ गए। नीचे से निकल के आना है सबको, निकलना है भाभी। हाँ। सबको निकलना है। अरे वाह, पालकी के नीचे से चलो। वो कह रहे हैं बुला रहे होते शायद। इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से सर इधर से भी चुके हैं आगे, शायद वो परिक्रमा कर रहे हैं। कितनी सुंदर लग रही है देवी जी। और हम लोग आज भी आ गए मंदिर में देखने के लिए कि शाम को यहाँ क्या क्या होगा। और यहाँ पे टॉय शॉप लग रही है और मुझे पूरा आइडिया कि वेदिका यहाँ पे लग जाएगी सामान लेने के लिए। इसका भी शुरू हो गया, मम्मा टॉयज है वो उतारने को भी तैयार है चलती गाड़ी में। ये यहाँ पे ऐसे स्टॉल्स लगे हुए हैं और ये लेगी पक्का। क्या चाहिए? क्या हो गया, क्या हो गया, क्या हो गया? कुछ तो है इसमें, पत्थर है, लो डालो इसमें, रखो पहनो। हाँ पहनो तो इसको, स्लीपर स्लीपर तो पहनो भैया। डॉल डॉल तो दादू मना करते हैं। डॉल बखलाना शुरू हो गया ना बेटे कि क्या क्या लेना है। अद्दू सब कुछ ले, दिला सकती है मम्मी, सब कुछ ले लेना आज। बस ये क्या लेना है? ला मैं फूक मारू, दिखा कितने का है भैया ये। ये तो फूक मार के हो भी नहीं रहा। क्या लेना? देख इस, देख फोन भैया दिखा दे तो। अरे न्यू वाला लेंगे ना, इनमें से लेंगे, उसमें हल्की आवाज आ रही है। ला दे। किसको फोन करेगी? किसको फोन करोगे? दादू को, इसको करो। फाइनल वेदिका ये फोन ले रही है। अद्यंत आपको भी ये फोन चाहिए? हाँ। फोन चाहिए? अद्दू को फोन नहीं चाहिए, अद्दू को कुछ और चाहिए। हाँ। कैसा है? अच्छा है। चलो मंदिर में चलते हैं। चलो मंदिर चलते हैं। आंटी को बोलो, भाभी को बोलो, अद्दू को बोलो, भाभी को बोलो, सबको बोलो। चलो फोन अच्छा है ना ये अद्दू का? आपको फोन लेना है नहीं लेना? मुझे तो लग रहा है लेगी भी नहीं। अच्छा है, चलो फिर। नहीं लगता साफ लेके डरा रही है, देख तो बिल्कुल डर नहीं लगता इसको। रख दे उसको भाई। वेदू ये रहा फोन, फोन ये रहा, फोन ले अपना। वेदू अद्दू को डरा दे, अद्दू को साफ, स्नेक से, स्नेक से अद्दू को डरा दे।
इससे डरा दू ले 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 तो आज है डे टू और मैं रेडी हो गई हूँ। आज हम लोग थोड़ा रेडी वेडी होके जाने वाले हैं क्योंकि कल तो हम ऐसे चले गए थे नाइट ड्रेस में, हमें पता नहीं था कि कैसे क्या फंक्शन है, बट आज हम लोग रेडी हो गए हैं। वेदिका भी रेडी है, उसे नाइट ड्रेस ही पहनी क्योंकि अरे कहाँ चली जाती है भाई ये। अच्छा ये अपना फोन दिखा रही है, अभी हम शाम में जो गए थे ना तो वहां से ही अपना फोन भी लेकर आई है। दिखाओ किससे बात करोगे, इससे फोन से किसको कॉल करोगे, करो कॉल नानू से, करो कॉल करो नानू से, करो जल्दी करके दिखाओ। मामी लाइट जलती है तो बजाओ तो करो तो ये रात हो रहा है मतलब इसको बड़ा एक्साइटिंग लगा ये। इसने ना वहाँ पे दुकान पे सिर्फ यही चीज ली, उसने कहा अपने दादू और उसने नानू से बात करनी है इसको। तो फिलहाल अभी मैं रेडी हूँ, भाभी बस 10 मिनट में आ जाएंगी। आज योगेश एंड सर नहीं जा रहे हैं, हम ही तीनों जाएंगे, बस भाभी एंड भाभी की भाभी आ रखी है तो वो, और शायद बच्चे भी नहीं जाएंगे, वेदिका जाएगी साथ में। तो चलो मिलते हैं वहाँ पे, पूरा देते हैं। अच्छा इसमें नारियल, चावल, केला अभी चली रही है, अंदर आवाजें तो आ रही हैं। पूजा में रखना है? नहीं बस सर पे लगा। अच्छा सर पे लगाना है, रुको ताकि एक ही लाएगा, एक ही लाएगा सर पे, रुको। अच्छा इसका फूल पे क्या करना था, इन बालों में, बालों में लगाना है, लगा लिया। देख प्रशांत मैं तो चली गई, बालों में देखूं एक बार सिस्टम है यहाँ, जो हमें फूल मिले देखो वो सबने अपने अपने बालों में लगा लिए हैं और अभी ये लाइन लगी हुई है यहाँ प्रसाद के लिए। कुछ धक्का मुक्की नहीं है, इतने लोग हैं तब भी बढ़िया, बड़े आराम से तसल्ली से सब प्रसाद ले रहे हैं। यहाँ पे मिल रहा है हलवा, इतनी पीछे देवी जी, यहाँ से सब उठ चुके हैं और अब आगे जा रहे हैं। यहाँ पे आगे ना नाटक होएगा आई थिंक कुछ, मैं तो फर्स्ट टाइम ही देख रही हूँ तो आप लोगों को भी दिखाती हूँ। हाँ 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 वो शायद ही पहले ही आ जाता है। देखिए कहाँ बैठे हैं, वहाँ पे भी दीपक जल रहे हैं क्योंकि वहाँ नीचे जो रस्सी है ना वहाँ पे नीचे एक पालकी है छोटी सी, वहाँ पे बैठाया जाएगा माता को और यहाँ पे चलेगा वो नाटक। ये बैठी है हम त्रिमूर्ति और ये बैठी है हमारी वेदिका, बस इंतजार कर रहे हैं कब स्टार्ट हो। खा लिया अपना प्रसाद, हमने सबने अपना प्रसाद खा लिया और सबको घर छोड़ के हम यहाँ बैठे हैं। तो वहाँ ऊपर पहुँचाया है और शायद वह ऊपर बैठाएंगे, ऊपर बैठा देंगे देवी जी को। वो देखो ऊपर बैठ गई देवी जी वहाँ पे, आई थिंक वो वहाँ ही इसलिए बैठाई है कि वो वहाँ से नृत्य देखे, मतलब जो यहाँ पे नाटक होएगा और सब कुछ होएगा वो पूरा प्रोग्राम वहाँ बैठ के देखे। देखो राय जी वहाँ पे देवी जी को बैठा दिया गया है ऊपर,
हाँ वो देवी जी बैठती है, यही देवी जी की पालकी में। इनके हाथ में है ना जैसे ये तरबूज है, तो ये ना माता को चढ़ी है चीजें एक 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 करके, तो इसकी ना बोली लग रही है एक तरह से कि मतलब 200 रुपया में जितने लोग चाहे यहाँ बैठे, अगर वो 200 रुपये में बोलेगा तो ओके, अदरवाइज 200 से ऊपर कोई बोलेगा तो वो उतने में भी लेगा। मिल गया 800 रुपये में, 800 रुपये में ये तरबूज बनाया जो माँ को चढ़ा है, ये सारी माता को चढ़ी होगी तो अब इसका एक तरह से बोली लगेगी कि आप कितने रुपये, 200 रुपया मिनिमम स्टार्ट 200 रुपये से ही है यहाँ पे। तो मंदिर में क्या है, गर्म पानी भी और ठंडा पानी भी, और प्रॉपर यहाँ डस्टबिन रखा है, यहाँ ग्लासेस हैं, मतलब सब कुछ यहाँ बेस्ट है भाई। शुरू हो गया सब बंद कर दी है, मस्त मॉल बना दिया है बिल्कुल। ये वेदिका मैडम यहाँ खेल रही है शांति से, मेरे को वहाँ नहीं बैठने दे रही है भाभी के पास। ये दूसरी लैंग्वेज में है तो थोड़ा समझने में मुश्किल होगा। कंपनी मध्ये काम पडलं तर रात्री व्हायची की ना, हस्बैंड वाइफ है और वो पानी दे रही है, वो ऑफिस से आए हैं। पार्वती तुझा नवरा काय करतो ग, दुसरी लेकर आई है क्या क्या बोल रहे हैं। वो जो आंटी है, मतलब जो स्टेज पे लेडी है, वो फिल्म में काम करती है मूवीज में, एंड जो वो हस्बैंड है वो किसी ऑफिस में काम करते हैं, तो ही इज लिटिल बिट जेलस उन आंटी से, तो वो वही कुछ खिटर पिटर चल रही है हस्बैंड वाइफ की। और जो फर्स्ट बंदी आई थी वो मेड थी उनकी, और ये जो पिंक साड़ी में बंदी आई है ये उनकी वाइफ है। तू समझा? हाँ। नहीं तू समझा नहीं। हाँ बोलो। यहाँ ये आंटी और अंकल बहस कर रहे हैं, मतलब आंटी के मम्मी पापा आ रहे हैं तो अंकल थोड़े डिप्रेशन में आ गए हैं, मतलब अंकल के इन-लॉज आ रहे हैं यहाँ पे। नाटक और पूरा फुल हो रखा है, बहुत सारे लोग बैठे हैं, बहुत सारे लोग बट निकल रहे हैं क्योंकि 10:45 हो गए हैं, काफ़ी लेट हो गया है, और ऊपर से ना थोड़ा समझ भी नहीं आ रहा, बार बार किसी को डिस्टर्ब करना पड़ रहा है हमें बार बार समझने के लिए डिस्टर्ब करना पड़ रहा है दूसरे को। मतलब वो बता रहे थे यहाँ के लोग बहुत स्वीट है बहुत ज़्यादा, बट हम लोग जा रहे हैं और वेदिका इसलिए रो रही है क्योंकि उसे दोबारा फ़ोन चाहिए, जबकि वो एक फ़ोन ले चुकी है। मैंने चुन्नी इसलिए उतार लिया क्योंकि इसमें मेरा प्रसाद बंधा हुआ है जो मुझे मंदिर से मिला है, तो चलो अब घर चलते हैं। आज हम लोग ना शाम को नहीं आ पाएंगे तो हम लोग अभी शाम में आ गए। अरे कहना क्या चाहते हो? पर हम लोग ना रात में नहीं आ पाएंगे आज क्योंकि भाभी को कुछ काम है, तो आज हम लोग अभी शाम में ही आ गए, और आज हम लोग आप लोगों को दिखाते हैं कि यहाँ पे भोजन जो प्रसाद होता है वो लोग कहाँ खाते हैं। ये मंदिर के पीछे वाला एरिया है जहाँ पे शायद भोजन होता है। किस साइड से जाना है? किधर से? इधर से यार, ये वॉशरूम वगैरह भी है भाभी प्रॉपर, आपको पता था तो हाँ कैसे बोला। Are you stupid or something? पे मिलता है खाने का अंदर, चलो एक बार देख के आते हैं। आओ इधर। यहाँ पे भोग मिलता है। हाँ बड़ी सुंदर सी जगह है, साफ कितना है, साफ कितना है।
चप्पल यहाँ पे निकालो शायद, हाँ ये चप्पल यहाँ निकाल दो, यहाँ पे ये चेयर्स लगी हुई हैं, वहाँ पे शायद वो रख देते होंगे खाना। रसोई घर यहाँ पे बन रहा है शायद खाना। आ सकते हैं अंदर आंटी? अंदर आ सकते हैं? नहीं आ सकते अंदर? यहाँ पे 9:30 बजे शुरू होगा और ये देखो नॉर्डर की चटनी के लिए कितनी ज़्यादा यहाँ तैयारी चल रही है। हे गाइस, सो वी आर बैक और ये 3 दिन इतने ज़्यादा अच्छे रहे कि मैं क्या बताऊँ, मैं वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं कर सकती कि वी आर वेरी लकी कि हमें वो चीज़ देखने के लिए मिली, कुछ अलग चीज़ देखने के लिए मिली। और गोवा के बारे में ना हर कोई बस यही सोचता है दैट गोवा इज़ ऑल अबाउट बीचेस, नाइट लाइफ, क्लब्स, मार्केट, बट उससे बहुत अलग है यहाँ के मंदिर। अगर आप लोग यहाँ आते हैं ना, मतलब मैं ऐसा फोर्स तो नहीं करूँगी, ये आपका चॉइस होगा, पर अगर आप यहाँ आते हैं तो प्लीज़ यहाँ के मंदिर ज़रूर जाना, आपको एक बहुत अलग और बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी। मतलब मैं कंपेयर भी नहीं करना चाहती, बस मैं एक चीज़ बताती हूँ कि नॉर्थ के साइड क्या है ना, बहुत ज़्यादा कामों में धक्का मुक्की होती है, या जब तक हम भगवान को बिल्कुल छू नहीं लेंगे वो हमें आशीर्वाद नहीं देंगे, ये कॉन्सेप्ट भी है। और ये कॉन्सेप्ट भी है कि बहुत ज़्यादा गंदगी हो जाती है, मतलब इतना जब क्राउड होता है तो वहाँ हो जाती है, बट यहाँ नहीं होती। मतलब डस्टबिन मीन्स वो सामान सिर्फ डस्टबिन में ही जाएगा। वेदिका इज सेइंग मैंने नूडल्स खाए, मतलब बहुत ज़्यादा साफ सफाई, बहुत अच्छे से, बहुत कामली, बहुत पीसफुली पूजा होती है। वहाँ जहाँ आरती हो रही थी ना, तो पंडित जी ने वहीं से ऐसे सिंपली हल्के से आरती घुमा दी एंड हम सब लोगों ने, हम जहाँ जहाँ खड़े थे वहीं आरती ले ली। सो यस, दिस इज़ द बेस्ट पार्ट। अगर आप लोग आते हैं एंड अगर आप लोगों का मन होता है टेम्पल घूमने का, तो प्लीज़ यहाँ के टेम्पल ज़रूर विजिट करना। मंगेशी टेम्पल है यहाँ का, बहुत खूबसूरत, शिव जी का कलर्स, वेदिका कलर कर रही है, बिरला टेम्पल है, श्री शांता दुर्गा टेम्पल है, इतने बड़े मंदिर हैं, इतने ज़्यादा बड़े मंदिर हैं, बट आपको इतनी सफाई मिलेगी कि मैं ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। वो अगर आप आते हैं तो आपको आके ही विजिट करके देख के फील होगा। तो बस मैं ये व्लॉग यहीं एंड करती हूँ। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा, तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कॉमेंट ऑन दिस वीडियो। जल्दी मिलेंगे नई वीडियो के साथ। बाय बाय।